आप लोग आज जो हमारा छोटा सा ही लेक्चर है, ठीक है, बाकी बच्चों को भी बेशक बुला लो। आप लोग के भी बार बार हो रहे, मैम जिनका वाइवा हो रहा है वो लीव कर सकते हैं? जी देखिए ऊंचा बोलो। क्या कह रही हो बेटा? मैम मैं कह रही हूँ मेरा वाइवा हो रहा है तो मैं लीव कर सकती हूँ, रिकॉर्डिंग सुनूंगी। सॉरी, आप क्या कह, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आपके लिए मेरा वायदा हो रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? नो मैम, आपकी आवाज बहुत कट रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। तो आप क्या कह रही हो? आप क्या कह रही हो बेटा? मुझे आपकी भी आवाज नहीं आ रही। मैं मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। बिल्कुल ठीक आ रही है। चलो शुक्र है। चलो ठीक है, अभी ये लेक्चर बहुत छोटा सा है, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को पढ़ाती हूँ। बेटा बाकी बच्चों को भी कह दो कि वो ज्वाइन कर ले, ठीक है? कोई बच्चा बाकी बच्चों को भी कह रहा है कि वो जाओ ज्वाइन कर ले? स्क्रीन नजर आ रही है 10 पेशेंट सेफ्टी टिप्स फॉर हॉस्पिटल, ये बेसिकली आज हमने पढ़ने हैं। छोटा सा लेक्चर है 15 मिनट्स का, तो बाकी बच्चों से भी आप लोग कह दो कि वो ज्वाइन कर ले, ठीक है? अच्छा यस मैम, बताओ। अब बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे 10 पेशेंट सेफ्टी टिप्स फॉर हॉस्पिटल्स, ठीक है? कि बेसिकली क्या ऐसे पेशेंट सेफ्टी टिप्स हैं हॉस्पिटल्स को जो फॉलो करने चाहिए, ठीक है? अब देखो कि मेडिकल एरर्स जो है वो आपने देखो कि अगर मेडिकल एरर्स वगैरह अगर हो जाए हॉस्पिटल्स में या हेल्थ केयर सेटिंग्स में तो उनके काफी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है? अब ये देखो कि आप, ये एक एजेंसी है, एजेंसी फॉर हेल्थ केयर रिसर्च एंड क्वालिटी, ठीक है? इससे क्या किया है कि इसमें बेसिकली काफी इस तरह के पॉइंट्स वगैरह बताती है, इस तरह की टिप्स वगैरह देती है जिनकी वजह से हॉस्पिटल्स में कम इंसिडेंट्स वगैरह हो या कम इस तरह की चीजें हो जिनसे पेशेंट सेफ्टी जो है वो ब्रीच हो गई, ठीक है? ये है AHRQ, एजेंसी फॉर हेल्थ केयर रिसर्च एंड क्वालिटी, ठीक है? अब हम देखते हैं कि मैंने ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम पेशेंट सेफ्टी को बहुत ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं और एक है जिनकी वजह से हम एरर्स वगैरह होने के चांसेस कम हो सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो ये कि प्रिवेंट सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस, कि सबसे पहले आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने ये चीज, इस चीज का खास ख्याल रखना है कि ब्लड के थ्रू एक बीमारी जो है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को ना लग जाए, ठीक है? अब वो हम किस तरह, मतलब अब ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन को हम किस तरह अवॉइड कर सकते हैं कि बेसिकली उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल के लिए आप हर पेशेंट को चेक करने के बाद आप हैंड्स को वॉश करो, ठीक है? उसके अलावा आप फुल प्रिकॉशंस लेके पेशेंट्स को चेक करो और आप अपने पास ना कोई वो रख लो, कोई सैनिटाइजर या कोई डिसइंफेक्टेंट की चीज रख लो जिससे आप हर दफा अपने हैंड्स को क्लीन करो हर पेशेंट के बाद, ठीक है? और ये कि आपने बेसिकली यही कोशिश कर ली है कि आप बेसिक, अगर आप ये, क्योंकि आप देखो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपने ये कोशिश करी है कि कोई भी बीमारी, इस तरह की कोई भी कंटेजियस डिजीज है, कोई बीमारी है, उसको आप एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक ना पहुंचाओ, ठीक है? तो ये डॉक्टर का फर्ज है कि वो हर पेशेंट के बाद अपने सफाई का ख्याल करे, अपने हाथ हाथ धोए और ये कि ये कोई भी डिजीज एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को ट्रांसमिट ना करे, ठीक है? दूसरा ये कि जब पेशेंट को डिस्चार्ज दे, इंजीनियर हॉस्पिटल डिस्चार्जेस, कि बेसिकली ये कोशिश करनी है, ठीक है बेटा? समझ आ रही है मेरी आवाज? आ रही है ना सही तरह से? बस ये पॉइंट सेंटेंस ये मैं आप लोगों को आज बताऊंगी, ठीक है? दूसरा ये कि हॉस्पिटल से जब भी डिस्चार्ज करे ना कोई भी पेशेंट को, तो उसमें ये है कि एक तो ये कि अच्छे तरीके से कोशिश ये करें कि दोबारा से उस पेशेंट को
दोबारा से ना आना पड़े। अब उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, डॉक्टर को चाहिए कि उस पेशेंट का प्रॉपर रिकॉर्ड बना के उसको भेजे, ठीक है। उसके अलावा ये कि एक नंबर वगैरह कोई दे दे हॉस्पिटल का जो उससे कंसर्न है, कि ताकि उस पेशेंट का दोबारा से मतलब ऐसा मसला ना हो कि खुदा खास्ता उसको दोबारा से आना पड़े, ठीक है। उसमें डिस्चार्ज करते हुए प्रॉपर जो है नोट्स बना के दे पेशेंट को कि मतलब आपने ये चीजें फॉलो करनी है और ये आपके रिकॉर्ड है, ताकि उस पेशेंट को दोबारा से चक्कर ना पड़े हॉस्पिटल का, ठीक है। और ये कि दोबारा से खुदा खास्ता उसको एडमिट ना होना पड़े। आवाज आ रही है मेरी बच्चों? बेटा आवाज आ रही है? कोई बता दे बीच में से। यस मैम। जी मैम आ रही है, आ रही है, समझ भी आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद ये है प्रिवेंट वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ठीक है। अब ये देखो कि बेसिकली ये किस तरह का, ये इस तरह कोशिश करें कि पेशेंट हॉस्पिटल से जब तक जाए तो कोई बीमारी ना लेके जाए, ठीक है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म क्या होता है, जो क्लॉट बन जाता है, ठीक है। थ्रोम्बस इस तरह जो है वो क्लॉट को कहते हैं, ठीक है। अब इसमें ये है कि बेसिकली ये डॉक्टर को देखना चाहिए कि वो किस तरह से बेसिकली उसे हर अपना स्टेप जो है अपने हर स्टेप, जिस तरह आपने अक्सर ये सुना होगा कि जब भी किसी का सी सेक्शन वगैरह होता है बाहर के मुल्कों में भी और इवन पाकिस्तान में भी, तो उसके बाद अक्सर क्लॉट्स बन जाते हैं जो लड़की होती है उसको, ठीक है। सी सेक्शन के कुछ अर्से बाद डायग्नोज होता है कि जी इनको इनको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो गया या इस तरह, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि बेसिकली अगर आप कोई केस करने लगी है कोई गायनेकोलॉजिस्ट देखिए तो वो उसको ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने हर स्टेप को मतलब ये कि वो फौरन जिस तरह आपके प्रेग्नेंट कोई आई है लड़की तो मतलब उसकी जिस तरह की डिलीवरी है तो ये इस चीज का ख्याल करें कि मतलब उसका सी सेक्शन होना है या नॉर्मल होना है वो टाइम पे डिसाइड करें। ये नहीं कि पहले वो इंड्यूस भी करते हैं पेन्स और उसके बाद सी सेक्शन नहीं हो रहा है, उसके बाद जो है ना उसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्लॉट वगैरह बनने के। तो ये कि हर डॉक्टर को ये ध्यान रखना चाहिए कि बेसिकली ये इस तरह के कोशिश करें कि कोई पेशेंट हॉस्पिटल से कुछ ना लेके जाए कोई बीमारी वगैरह, ठीक है। और चौथा ये कि एजुकेट पेशेंट्स अबाउट यूजिंग ब्लड थिनर सेफली, ठीक है। ब्लड थिनर्स में जिस तरह आप ये देखो कि अगर किसी पेशेंट को आपने वॉरफिन दी है या हेपरिन दी है तो उसमें आपको पेशेंट को ये भी साथ गाइड करना चाहिए, अगर वॉरफिन फॉर एग्जाम्पल दिए कि अपना आयन आर कराते रहे साथ साथ, ठीक है। कि ये ना आपके खुदाना खासा उसका ब्लड इतना ज्यादा थिन हो जाए कि ब्लीडिंग वगैरह के चांस, ठीक है। आज मैं आप लोगों से कोई क्वेश्चन इसलिए नहीं करे कि आप लोग के वाइवास हो रहे हैं ना, वाइवास हो रहे होंगे आप लोगों के, ठीक है ना। Yes, ma'am. ठीक है बेटा, मुझे बताओ कि नेक्स्ट ट्यूसडे, तो नेक्स्ट ट्यूसडे आप लोगों की ना दो क्लासेस होगी, ठीक है। फिर हम अपना कोर्स खत्म कर लेंगे उसमें, ठीक है बेटे। Yes, ma'am, आपसे बात पूछनी थी जी। मैम इसका फाइनल कैसे होगा, एमसीक्यूज या एससीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे? सिर्फ एससीक्यूज होंगे। ओके मैम। मैम कितने मार्क्स का होगा, 100? हाँ जी। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, अब बेसिकली ये है कि आप लोग ये अब इसमें ये चीजें ये कि जिस तरह आप देखो ब्लड थिनर्स का खास तौर पे ख्याल रखते हैं कि खुदाना खासा पेशेंट को बाद में जाके ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट ना हो जाए, क्योंकि ब्लड थिन उनका करी होगी ना, ये वॉरफिन होगी जिस तरह। अब इसमें ये कि पेशेंट को आपने कहना है कि आपने अपना आयन आर जो है वो बाद मतलब चेक कराते रहते हैं साथ साथ, ठीक है। क्योंकि ये ना हो कि आपका ब्लड ज्यादा थिन हो जाए, फिर उसके अलावा आपके ये चांसेस होते हैं कि ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं पेशेंट। उसके बाद है लिमिट शिफ्ट ड्यूरेशन फॉर मेडिकल रेजिडेंट्स एंड अदर हॉस्पिटल स्टाफ इफ पॉसिबल, ठीक है। इसमें ये कि देखो बेटा हर डॉक्टर का ना ये ध्यान रखना चाहिए कि एक डॉक्टर की ये ना कि वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ये कि वो थक जाए और वो पेशेंट को सही तरह से डील ना करे। तो ये होना चाहिए कि इस तरह मतलब हर हॉस्पिटल को ये चीज देखनी चाहिए कि हर डॉक्टर की ना शिफ्ट रखे, इस तरह की शिफ्ट रखे कि डॉक्टर्स को बीच में रेस्ट का टाइम भी मिले, ताकि जब वो रेस्ट करने की बात आए तो ऑब्वियसली वो और तरह से काम करेंगे, ठीक है। तो हर बेसिकली हर हॉस्पिटल को ये चाहिए कि वो शिफ्ट में डॉक्टर्स की इस तरह की शिफ्ट बनाए कि डॉक्टर को रेस्ट का टाइम भी मिले और ताकि वो जब दोबारा आए तो ऑब्वियसली उसकी एफिकेसी जो डॉक्टर ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा, ठीक है। उसके बाद है कंसीडर वर्किंग विद अ पेशेंट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब बेसिकली ये है कि एक पेशेंट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि हेल्प करती है कि एरर्स वगैरह ना हो, ठीक है। तो अभी हर हॉस्पिटल को ये करना चाहिए कि पेशेंट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ये होगा कि हॉस्पिटल में जो एरर्स वगैरह उनके चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। सेवन में यूज गुड हॉस्पिटल डिजाइन प्रिंसिपल्स, ठीक है। एक तो ये कि आप ये हॉस्पिटल के डिजाइन अच्छे इस तरह के करें कि
इस तरह आप इस तरह के ये ना पहले कि एक कमरे में ऊपर नीचे जगह हो या हॉस्पिटल या जिस तरह हॉस्पिटल का वॉशरूम है तो वो नीचे जाते मतलब वो स्टेप्स बने हुए और इस तरह की चीजें कि बताना होता है ये ना आपके पेशेंट बेचारा आपको पता है पहले बीमार होता है तो चलने में और ये कि जब वो जाए वॉशरूम वगैरह में तो गिर जाए इस तरह के भी डिजाइन इस तरह का बनाए और ये भी देखिए फ्लोर बहुत ज्यादा स्लिपरी हो आपको पता है बूढ़े लोगों को थोड़ा सा मसला होता है जब फ्लोर बहुत ज्यादा स्लिपरी होता है तो बेसिकली इस तरह की चीजें रखे ना हॉस्पिटल का डिजाइन इस तरह का बनाए कि ताकि पेशेंट कंफर्टेबल फील करे ये भी देखिए बहुत ज्यादा स्मेल हो बहुत ज्यादा कि हर चीज डिसइंफेक्टेड भी हो लेकिन ये हो कि पेशेंट के लिए बहुत आसानी हो कि जिस तरह आप ये देखोगे हर हर एक और ये कि हर चीज जिस तरह फार्मेसीज है वो एक स्पेसिफिक जगह पे हो इजीली अप्रोचेबल हो ताकि अगर किसी पेशेंट को भी दवाई चाहिए तो फौरन अवेलेबल हो तो ये कि एक हॉस्पिटल का डिजाइन इस तरह का बनाए कि पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो हर चीज में अगर उसे दवाई भी मंगवानी है तो साथ ही फार्मेसी हो या ये कि इस तरह की चीज है कि ये स्टेप्स वगैरह ज्यादा ना हो और ज्यादा स्लिपरी फ्लोर ना हो कि बेसिकली डिजाइन इस तरह का हो कि हर पेशेंट के लिए आसानी हो ठीक है उसके बाद है उसके बाद है कि पेशेंट सेफ्टी कल्चर जो है बेसिकली हॉस्पिटल का क्या आप देखो कि ये कि एक तो ये जो हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर्स वगैरह साइन किए हुए हैं ठीक है उसको ये कि पेशेंट उनको पता हो कि किस किन चीजों से जो है हम एक पेशेंट की जो है सेफ्टी का ख्याल रख सकेंगे या क्या कि इंटरवेंशन वगैरह जो दे रहे हैं ये कोशिश करें कि बेसिकली कि आप कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा बीमार है और वो नहीं आ सकता अपने घर से नहीं आ सकता तो इस तरह की भी फैसिलिटीज रखेंगे आप जो है कि नर्स जो है घर जाके उसको चेक कर ले या डॉक्टर जो है उसको घर जाके चेक कर ले ठीक है कि बेसिकली पेशेंट सेफ्टी को नंबर वन पे रखे और उसके अलावा ये है कि बिल्ड बेटर टीम्स एंड रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम देखते हैं कि टीम बहुत अच्छी बनाए ठीक है और ये रिस्पॉन्स सिस्टम बहुत अच्छे बनाए कि अगर देखो बाद में अगर कोई पेशेंट जो है कंप्लेन करते हैं कि नहीं ये सही ये चीजें नहीं हुआ ये वो तो रिस्पॉन्ड कोई करे इस चीज को कि जी अच्छा ये और ये मतलब ये इसमें शॉर्ट कमिंग्स वगैरह थी ठीक है तो बेसिकली ये कि अच्छी टीम्स बनाए जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जो अच्छे तरीके से पेशेंट को डील कर सके ठीक है उसके बाद है इंसर्ट चेस्ट ट्यूब सेफ्टी ठीक है जब भी आप देखो कि बेसिकली एक यूएट दिया हुआ है इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंगली जो है उनको ये प्रिकॉशन फॉलो करने चाहिए जब भी चेस्ट ट्यूब्स इंसर्ट करें एक तो ये कि यू से बनता है यूनिवर्सल प्रिकॉशन फॉलो करें डब्ल्यू से बनता है कि वाइडर स्किन प्रेप ई से है एक्सटेंसिव ड्रैपिंग और टी से है प्रे पोजिशनिंग बस आपको इनके नाम आने चाहिए ज्यादा डिटेल में ना जाए क्योंकि आप लोगों ने कौन सा चेस्ट ट्यूब जो है वो इंसर्ट कर लिया ठीक है उसमें बेसिकली यही है कि चेस्ट ट्यूब इंसर्शन में ये चीजें देखनी चाहिए कि कहीं जो है चेस्ट ट्यूब इंसर्शन में कोई गलती ना हो जाए बस आप यूवेट की आप रख लेना ठीक है यूवेट की आप रख लेना कि यूवेट से क्या पता है कि यूनिवर्सल प्रिकॉशन वाइडर स्किन प्रेप एक्सटेंसिव रैपिंग और प्रे पोजिशनिंग ठीक है ये इंपॉर्टेंट है चेस्ट ट्यूब इंसर्शन में ठीक है ये 10 बेसिकली प्रिंसिपल्स है आपको इनके नाम आने चाहिए और ये के अंदर डिटेल्स फिर आप खुद भी लिख सकते हैं जब आपको आते होंगे ना प्रिंसिपल्स के लिए प्रिंसिपल्स के तो फिर आप खुद ही अंदर वाली चीज आप खुद भी लिख सकते हो ठीक है बेटे यस मैम Yes, ma'am. चलो next time पढ़ के आना next time आप लोग का वादा नहीं ना होगा तो ये पढ़ के आना मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी लेक्चर और ये भी मैम आप मेल थोड़ा पहले कर दिया करें बेटा सॉरी वो ना एक्चुअली आई एम सो सॉरी एक्चुअली मैंने थोड़ा लेट भेज दिया हाँ मैं मेल इंशाल्लाह ना एक दिन पहले कर दूंगी एक दिन पहले ठीक है ना जी मैम क्योंकि अभी भी वाइवा वगैरह था हमें आइडिया ही नहीं था कि लेक्चर हो रहा है नहीं नहीं चलो चलो ठीक है इंशाल्लाह एक दिन पहले कर दूंगी और नेक्स्ट टाइम ना आप लोगों का मेकअप लेक्चर भी होगा ठीक है अभी मैम मैम इसकी रिकॉर्डिंग लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी कर दूंगी इसकी भी रिकॉर्डिंग
यस मैम, पिछले लेक्चर्स आपने कितने रिकॉर्ड किए हुए हैं बेटा? मुझे नहीं याद, आज जाके देखती हूँ। ओके मैम, कोशिश करती आज मैं कोशिश करूंगी कि सारे कर दूं, ठीक है, ताकि आप लोग आराम से आगे जब इसका वो हो तो पढ़ लो। इंशाल्लाह ताला कर दूंगी, आज मैं जाके सारे कर दूंगी, अल्लाह खैर करे जितने भी रह गए हैं, ठीक है, ये भी कर दूंगी, इससे पिछले भी कर दूंगी, और आपके 7 टोटल हो चुके हैं, 3 रह गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला फिर वो 3 जो है ना वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। और नेक्स्ट टाइम ठीक है आप लोग भी बेटा, फिर 11 to 12, 13 क्लास होगी, ठीक है? ओके मैम, एक बार मेल कर दूंगी वेंडर के लिए। ओके मैम, ठीक है, नहीं हुआ।